जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सूडान के हालात आप लोगों ने देखे, मणिपुर के अंदर हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ है, वहां पर पुलिस को अपनी ताकत लगानी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग तरह की राह गलाप रहा है, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर वहां के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर बच्चों पर है। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन ऐसी होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं चिंता का कारण जरूर पैदा करती है। पहलवान लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर हर दल रेवड़ी बांटने पर तुला हुआ है। ये सारी की सारी परिस्थितियां इसी समय पर क्यों हो रही हैं? आप में से बहुत सारे दर्शक जो मेरे इस चैनल पर पुराने हैं, वो सब जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले एक साल से इस गुरु चांडाल योग के बारे में बहुत कुछ पहले से ही आपको बताता आ रहा। लेकिन जैसे जैसे 27 मई का समय नजदीक आएगा, इन घटनाओं के अंदर तेजी भी बहुत आएगी और इन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ जाएगी। इसी समय पर यूपी के अंदर कुछ एनकाउंटर होते हैं, कुछ मर्डर होते हैं, अतीक की हत्या कर दी जाती है। दर्शकों, सारे घटनाक्रम को आपको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखना है कि जब ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बनती है तो व्यक्ति कैसे कर्म करने को आतुर होता है। फिर चाहे वो कितना ही विवेकशील इंसान हो या कितना ही मूर्ख इंसान हो, हर व्यक्ति के निर्णय पर इस गुरु चांडाल योग की छाया देखने को जरूर मिलती है। और इसीलिए कहा गया है कि यदि योग बन रहे हैं तो उसका स्थायी प्रभाव भी इस संसार पर जरूर आता है। और यह प्रभाव दो तरीके से अपना काम करता है। एक, जो इस संसार के अंदर जो लोग हैं उनके जीवन के अंदर उन परिस्थितियों का निर्माण होता है, और जो इस समय पर इस धरा पर जन्म लेते हैं उनके जीवन के अंदर इन योग का स्थायी प्रभाव होता है। यानी भविष्य के अंदर प्रकृति इन योग से जो कार्य करवाना चाहती है उनको करने के लिए वो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं। इसीलिए शुभ स्थिति में पैदा होने वाले जातक भविष्य के अंदर किसी बड़े अच्छे कार्य के लिए उनका चयन होता है, और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहीं ना कहीं उन ग्रह नक्षत्रों में इस धरती पर आते हैं जब प्रकृति उनसे कुछ विनाश की लीलाएं अपने हाथों से करवाती है। इसीलिए दर्शकों, जैसे जैसे 27 मई नजदीक आती चली जाएगी, इन घटनाओं के अंदर वृद्धि भी होती चली जाएगी और आप इन घटनाओं का व्यापक असर भी आते हुए देखेंगे। इसीलिए इस समय पर किसी भी घटना के संदर्भ में कोई विचार बनाने से पहले हमें यह बात जरूर सोचनी चाहिए कि यह समय थोड़े समय के लिए है। इसका आरंभ और अंत भी हम आराम से देखेंगे। आरंभ 5 अप्रैल था, अंत 27 मई है। उसके पश्चात योग तो रहेगा लेकिन उसका प्रभाव शून्य हो चुका होगा। यानी जो परिस्थितियां बिगड़ेंगी वो 27 मई तक बिगड़ेंगी और उसके पश्चात उन समस्याओं का समाधान भी मिलता चला जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि पहलवानों को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, इसका समाधान भी 27 मई के बाद ही निकलेगा। मणिपुर की हिंसा का समाधान 27 मई के बाद निकलेगा। जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं उनका समाधान 27 मई से पहले नहीं निकलेगा और 27 मई के पश्चात ही इन समस्याओं का समाधान निकलेगा, बल्कि 27 मई तक नई नई परिस्थितियां पैदा होंगी जिनको लेकर के चिंताएं भी बढ़ेंगी। इसीलिए दर्शकों, 27 मई तक आप सभी को बिल्कुल धैर्य रखना है और 27 मई तक महाविस्फोटक स्थिति बनने जा रही है, जिसका प्रभाव क्या होगा ये हमें
27 मई के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि यूक्रेन के अंदर भी हालात कुछ इस तरह के हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन को मारने का षड्यंत्र किया गया है और पुतिन अब जेलेंस्की को मारने की योजना बना रहे हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां 27 मई की तरफ बढ़ते हुए कदम है। परिणाम कितने भयानक होंगे, कितने गंभीर होंगे, ये हमें 27 मई के पश्चात पता लगेगा। इसलिए दर्शकों, गंभीर स्थिति है और इसको शांति से हमें हैंडल करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।